निश्चित तौर पे चौथी बार भी हम निगम के अंदर बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे। मैं जेवी राणा जी को काफ़ी दिनों से जानता हूँ, ये यहाँ के पार्षद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ एमसीडी में आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार दोबारा काबिज होगी? 100 के 100% बिल्कुल, और बीजेपी एक बार 101% आएगी और इसके बाद हम अपना काम करेंगे। झाड़ू पे हम खुद झाड़ू फेर देंगे, जनता की राय बीजेपी को ही जिताएंगे, बिल्कुल कमल का फूल खिलाएंगे। दिल्ली के अंदर जो कूड़े को लेकर के गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी ने करने का प्रयास किया है, हम उसको निश्चित तौर पे उस कूड़े को भी हटाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम बिजवाशन क्षेत्र में मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनावों का जो डंका है वो बज चुका है, बिगुल बज चुका है। 4 दिसंबर को चुनाव होने हैं और 7 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। हर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, आज नॉमिनेशन होना है। तो अभी हम बिजवाशन क्षेत्र में जयवीर राणा जी के साथ मौजूद हैं, उन्हें बीजेपी ने यहाँ से टिकट दिया है। जानते कि कैसा महसूस हो रहा है और जनता को क्या क्या वादे वो करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। जनता, क्योंकि लोकतंत्र में 5 साल के बाद किसी को मौका मिलता है अपनी बात को, जो प्रत्याशी हैं जो 5 साल तक उनकी नहीं सुनते रहे हैं उनके लिए उनका क्या रिएक्शन है उस पर काम करने का। निश्चित तौर पे 4 तारीख का चुनाव है और 5-5.5 साल से निगम पार्षद यहाँ हैं और 8 साल से उनके विधायक यहाँ पर हैं। रोड के गड्ढे नहीं भरे जा सके, गंदे पानी की निकासी नहीं हो पाई, हेल्थ सर्विसेज का बुरा हाल है, और जो मुख्यमंत्री जी दावे कर रहे हैं जिनको लेकर कि हमारा शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य का मॉडल बहुत अच्छा है, उसकी तो आप दिल्ली के अंदर आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है। निश्चित तौर पे दिल्ली की जनता इस दिल्ली की सरकार को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी को, इनके विधायकों को और पार्षदों को एक करारा जवाब देगी, क्योंकि लिक्कर पॉलिसी के अंदर भी इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। सर, 15 साल से बीजेपी काबिज है एमसीडी में, लगता है कि चौथी बार भी जनता अपना विश्वास दिखाएगी सारे कामों पर? निश्चित तौर पे चौथी बार भी हम निगम के अंदर बड़ी मेजोरिटी के साथ जीत के आएंगे। पिछली बार 272 में से हम 182 सीट जीत के आए थे, इस बार 182 सीट से भी ज़्यादा जीत करके सिविक सेंटर पर चौथी बार हम पहुँचने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी देश को बनाने का काम करती है, समाज को बनाने का काम करती है, दिल्ली को बनाने के काम में लगी हुई है। लेकिन ये जो दिल्ली की सरकार है जो बार बार फंड रोक करके, इसने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं देने दी, इन्होंने डेवलपमेंट वर्क को रोक के रखा कि भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो और हम सरकार यहाँ पे बनाएं। उनकी जो ये मानसिकता है उसको 5.5 साल से दिल्ली की जनता देख रही है। किसी भी हाल में जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी सोचने पे विवश होना पड़ेगा कि अभी उनको दिल्ली बचाना भारी पड़ेगा, जबकि वो दूसरे जो ख्वाब देख रहे हैं वो तो पूरे होंगे नहीं। तो अभी यहाँ पे जो आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ, विधायक भी आम आदमी पार्टी से और पार्षद भी आम आदमी पार्टी से, और दोबारा उन्हीं को टिकट दे दिया आम आदमी पार्टी ने, तो आपको नहीं लगता कि उन्होंने कुछ तो काम किया होगा, आपके लिए मुश्किल होने वाला है यहाँ से जीतना? नहीं, उनके क्योंकि 5.5 साल के कार्यकाल के अंदर और जनता की ये आवाज़ है, पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था यहाँ, मैं जनता के बीच में बिना पद पे रहते हुए मैंने उनसे ज़्यादा काम किए हैं और जनता ने भी इस बात को स्वीकार किया है। 5.5 साल में उनके पास पूरा मैंडेट था, वो छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाए, वो सफाई को नहीं कर पाए। आज वो नारा देते हैं कि कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, जबकि उन्हीं के क्षेत्र में आप दुर्दशा देखिए, मैं आपको पूरा क्षेत्र घुमा के दिखा सकता हूँ, झाड़ू भी ठीक से नहीं लगा पाए। जो लोग झाड़ू का सिंबल लेके आए थे कि हम सफाई कर देंगे, वो कूड़े को ही नहीं हटा पाए। तो उसमें जनता बहुत करारा जवाब उनको देगी, बिजवासन क्षेत्र में भी देगी, पूरी दिल्ली के अंदर भी देगी। तो अब की बार जनता को क्या आश्वासन देते हैं, क्या 4 से 5 मुद्दे रहेंगे जो आप जनता को बताना चाहते हैं कि अगर आप जीत जाएंगे तो वो सुधार हो जाए? हमने माननीय गृहमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है और दिल्ली की लीडरशिप में माननीय आदेश गुप्ता जी ने, सब ने मिल के इस दिल्ली के निगम को जो 3 भागों में बट गया था उसको यूनिफाइड किया, हमने एक किया है, क्योंकि यहाँ इस बात की बहुत आवश्यकता थी। 3 निगम थे तो फंड्स की दिक्कत थी, फंड्स के कारण से जितना डेवलपमेंट के काम थे वो रुके हुए थे, तो हम यूनिफाइड किया है। और निश्चित तौर पर जब इस बार महापौर बन के आएगा तो विकास को बहुत ज़्यादा गति मिलने वाली है। हम क्योंकि हमने ये जो ढलाव घर की जो इन्होंने बात की है और जो ये कूड़े के पहाड़ की बात की है, उसमें हमने 30 मीटर तक उसको कम करने का प्रयास किया है। माननीय गौतम गंभीर जी के यहाँ जो लैंडफिल साइट है गाजीपुर में, उसकी हाइट कम हुई है,
बलसवा के अंदर जो लैंडफिल साइट है उसकी हाइट कम हुई है, और दिल्ली के अंदर जो कूड़े को लेकर के गंदी राजनीति आम आदमी पार्टी ने करने का प्रयास किया है, हम उसको निश्चित तौर पे उस कूड़े को भी हटाएंगे। ये जो गंदी पॉलिटिक्स लोग कर रहे हैं उस कूड़े को भी हटाएंगे, जो दिल्ली के सचिवालय के अंदर कूड़ा बैठा हुआ है उसको भी हटाएंगे, और 2025 में जो दिल्ली की सरकार है जिसने कूड़े का रूप ले रखा है उसको भी हटाएंगे। और माननीय मोदी जी ने इस दिल्ली के लिए बहुत सारे काम किए हैं, उसको आधार बना के 15 साल में एमसीडी में भाजपा ने जो काम किया उसको हम साथ लेके चलेंगे। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता आज दिल्ली के नागरिकों को है स्वच्छ वातावरण की, एक अच्छे एनवायरनमेंट की। आप देखते होंगे कि प्रदूषण की जो स्थिति है वो केवल और केवल कागजों के अंदर इस सरकार ने काम किया है। आप इस सरकार की उदासीनता देख सकते हैं कि 26 लाख रुपए का डीकम्पोजर पराली को जलाने के लिए ये ख़त्म करने के लिए खरीदते हैं, और 24 करोड़ रुपए उसके प्रचार पे अखबार में विज्ञापन और टीवी में विज्ञापन दे करके खर्च करते हैं। ये दिल्ली की जनता देख रही है, इनको समय पे 4 तारीख को करारा जवाब मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके कार्यकर्ताओं से बात कर लेते हैं। काफी जनता पार्टी जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद, माता की जय। आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है हर एक कार्यकर्ता में, बेहद नज़दीक चुनाव आ गए हैं और लगता है बीजेपी इस बार भी काफ़ी जमखम से जीत की तैयारी कर रही है। तो जो कार्यकर्ता है उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा वार्ड है, और मैं जेवी राणा जी को काफ़ी दिनों से जानता हूँ, ये यहाँ के पार्षद के मुकाबले में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की जन समस्याएं जब भी इनके पास हम लोग जाते हैं उनकी सॉल्व करते हैं। और जहाँ तक नगर निगम का बात है, नगर निगम में हमने बहुत कार्य किए हैं। हमारे को 13,000 करोड़ रुपया कम दिया केजरीवाल ने, सुतला व्यवहार किया। इसके बाद भी हमने पार्कों का सौंदर्यकरण, स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, और मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में काफ़ी फ्लाईओवर बनाए। ये ओखला फ्लाईओवर, मेरठ जाइए 1 घंटे में चले जाइए, बम्बे एक्सप्रेस, और ये आपका धोला कुआ, जहाँ धोला कुआ में जब हम दिल्ली से आते थे 2-2 घंटे लगते थे, आज हम 45 मिनट में लगभग आ जाते हैं। और जहाँ तक क्षेत्र की बात है, मैं कई क्षेत्रों में गया हूँ और इस क्षेत्र में बहुत उत्साह है, और जयवीर राणा जी का बहुत लोग बड़े दिलो जान से समर्थन करेंगे और ये काफ़ी वोटों से जीतेंगे, और हो सकता है यहाँ पे सब कैंडिडेट की जमानत ही जब्त हो जाए। तो जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है कि 15 साल से तो कुछ नहीं कर पाई है बीजेपी, इस बार क्या करके दिखाएगी, तो अब हम उनको बताना चाहेंगे कि जो 5 साल से वो यहाँ पर थे उनके पार्षद ने क्या क्या किया और इस क्षेत्र की क्या हालात। यहाँ के पार्षद ने कोई काम नहीं किया, लोगों की समस्याएं, सफाई की, ट्रैफिक जाम की, और घर घर में पानी पहुँचाने की, ये समस्याएं यहाँ की दूर नहीं हुई है। मेन तो पानी का है, बिजली का है, बिजली का जो बिल है कुछ लोगों का माफ़ हो क्या रहा है, बाकी 70% लोगों का माफ़ नहीं हो रहा है। तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे और भी लोगों से आपसे बात करवाएंगे। अंगल जी आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल फ्री की राजनीति करते हैं इस बार निगम में काम आएगी फ्री की राजनीति? जीवन में फ्री की चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के जो निगम पार्षद की आप बात करें, मेरे पास 50 कंप्लेंट ऐसी है जो मैं सॉल्व करा चुका हूँ बेगर आम नागरिक। तो पार्षद यहाँ क्या कराएगा, ना पानी की सुविधा ना कुछ है, फ्री कब तक देंगे आखिर? एमसीडी में आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार दोबारा काबिज होगी? 100 के 100% बिल्कुल, 100 के 100% जी बिल्कुल बिल्कुल 100% काबिज होगी। क्या क्या आप वादे करना चाहेंगे यहाँ की जो जनता है उनसे? यहाँ की जनता हमारे बीजेपी की आशा देख, उम्मीद देख रहा है। हमारे बीजेपी कामयाब नहीं हुई पिछले बार, इसके लिए इस बार हम लोग पूरी तैयारी से हैं, और बीजेपी एक बार 101% आएगी, और इसके बाद हम अपना काम करेंगे। अंकल जी आपको लगता है कि यहाँ पे जो विधायक भी आम आदमी पार्टी से, पार्षद भी, फिर भी जनता बीजेपी को कहीं ना कहीं देख रही है? बिल्कुल देख रही है, उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। यहाँ तो मोदी जी की नीतियों के कारण और जो प्रत्याशी है उनके जन कल्याण कार्य जो उन्होंने किया है उससे हम लोग प्रभावित है, उन्हीं को वोट देंगे, झाड़ू पे हम खुद झाड़ू फेर देंगे। तो बीजेपी के जो महिला कार्यकर्ता है उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको कैसा फील होता है बीजेपी पार्टी में रहकर, और अभी यहाँ से क्या लगता है जनता की क्या राय है, जो महिलाएं हैं वो किसको वोट देने के सोच रही हैं?
जनता की राय बीजेपी को ही जिताएंगे, बिल्कुल कमल का फूल खिलाएंगे। आपको लगता है कि बीजेपी जो महिलाओं के लिए अच्छा काम कर रही है, महिलाओं के लिए कुछ अलग से कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकते और करने रहे। मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है, 50% सीट आरक्षित की है और इससे ज्यादा क्या होगा। मैं एक्टिव होता हमें इसका फायदा भी मिलेगा आगे। और निगम में आप किसको, आपने मोदी जी की बात कर ली, अगर हम निगम की बात करें, यहाँ के जो उम्मीदवार है जयवीर राणा, उनकी बात करें तो उनके पर क्या कहना चाहिए? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत साल से पार्टी में जुड़े हैं, कॉलेज टाइम से ही, और हम चाहते हैं कि अब की बार वो बिल्कुल अच्छी वोटों के साथ जीतेंगे। जी, आपसे भी पूछना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे जयवीर राणा जी का काम आपको क्या लग रहा है? इन्होंने बिना पार्टी बिना यहाँ से जीते हुए कोई काम किया है? हाँ बहुत काम किए हैं, जनता के लिए बहुत काम किए हैं और बहुत अच्छे हैं, जीत के आएंगे। और यहाँ के जो पार्षद हैं, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो यहाँ के पार्षद हैं नरेंद्र जटराना, उन्होंने कितना काम किया है, कितना विकास हुआ है क्षेत्र? उनकी तरफ से सबका यही सुनने में आता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया, उनका हमने सिर्फ इसी विश्वास पर उन्हें जिताया गया था कि वो उम्मीद थी उनसे, लेकिन बिल्कुल एकदम विपरीत उनसे वो निकला है नतीजा, बिल्कुल निराशाजनक है। सब मैं नहीं कह रही, ये सारे ग्रामवासी कहते हैं। जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं और क्या आपको लगता है अगर बीजेपी जीतती है तो किनका हल हो सकता है? इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या तो सफाई की, एमसीडी से संबंधित जो है, इन्होंने कहीं भी सफाई नहीं, हमारे गांव को कूड़े का ढेर बना दिया है, जो इनके बनते ही बिल्कुल तो होगा, जितना ये कर सके बिना पोस्ट पे रहते हुए भी बहुत कुछ किया और अब हर समस्या का पूरे 100% अपना देंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई जयवीर राणा जिंदाबाद, जयवीर राणा जिंदाबाद। काफी उत्साह का माहौल है, काफी उत्साह का माहौल है। मैं बता दूं कि विद्वासन क्षेत्र के जो एमएलए हैं वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, जो पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से हैं, और दोबारा जो यहाँ के सिटिंग पार्षद है उनको टिकट मिला है, तो देखना दिलचस्प रहेगा क्या यहाँ की जनता बीजेपी को मौका देगी।